और भैया आ गया, थंबनेल देख के कमेंट में गाली देने आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक मिनट वीडियो को वॉच कीजिएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल असम। फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने सभी जो है कम या ज़्यादा पेट्रोल या डीजल भरते रहते हैं, है ना फ्रेंड्स। सो अक्सर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, डीजल गाड़ी लेके जाता है, उसमें जो है कभी गलती से पेट्रोल घुस भी जाता है। आपका साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पेट्रोल पंप पर, जो कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल पंप पर एक ही मशीन में दो गन होता है, एक डीजल का और एक पेट्रोल का, होता है ना फ्रेंड्स। तो आपको जब पता चल जाता है कि मेरा डीजल गाड़ी में पेट्रोल घुस गया है, तो पता चल जाता है, उसका बाद जो है आप डीजल को या पेट्रोल को अनलोड कर देते हो। अगर पता नहीं चलता है तो आप सेल्फ मार्केट चला जाओगे, ठीक है ना। और चला जाने के बाद रोड में आपका साथ क्या होने वाला है, वही चीज आज रियल में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इस कार का साथ। यानी हम लोगों के पास आज है मारुति सुजुकी का वैगनर, और फ्रेंड्स ये गाड़ी जो है ये पेट्रोल गाड़ी है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग लेकर आया हूँ डीजल, थोड़ा सा आप डीजल को लेके आइए, मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स को। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस कार को डीजल से चलाएंगे आप लोगों का सामने में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गाड़ी का साथ क्या होता है, कितना नुकसान होता है या नहीं होता है। अभी तक जो है हम लोगों को भी कुछ आइडिया नहीं है। और फ्रेंड्स, ये है डीजल, हाथ में डाल दो, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों को डीजल और पेट्रोल देखने से जो है पता चल ही जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस कार में मेरा ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, शायद ही 2 लीटर पेट्रोल होगा अभी, ठीक है। और उस 2 लीटर पेट्रोल वही रहने देता है, उसका साथ ही हम लोग इस डीजल को कर देंगे मिक्स, और उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट होता भी है या नहीं, या चलता भी है या नहीं। सो वही चीज़ हम लोग आज ट्राई करेंगे, यानी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इस मारुति सुजुकी वैगनर का साथ। सो आप लोग वीडियो में बना रहिएगा फ्रेंड्स एंड तक। सो आप चलो अभी जो है इस डीजल को पेट्रोल टैंक में डाल दो, और आप जो है कैमरा को इस साइड में लेके आओ। और फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का पेट्रोल कार, आप लोगों को पता है, और इस पेट्रोल कार को हम लोग इतना दूर जो है चला के लेके आया हूँ, और आप लोगों का सामने में मैं यहाँ पर 3 लीटर डीजल डाल दूंगा, ठीक है। यानी हम लोगों का कार में अभी 2 लीटर पेट्रोल भी है, और उसका साथ ही हम लोग मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये और एक बार मैं दिखा देता हूँ, यानी इतना जगह जो है हम लोग कोई भी स्किप नहीं करूँगा, ठीक है। अगर हम लोगों का मतलब कुछ बोली में थोड़ा उल्टा पुल्टा भी हो गया ना, फिर भी स्किप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को रियल शूट दिखाऊंगा हम लोग, और रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ये है डीजल फ्रेंड्स, और आप यहाँ पर 3 लीटर डीजल को डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों को अपना गाड़ी में यानी पेट्रोल गाड़ी जानते हुए भी हम लोग डीजल डाल रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग यही मतलब बिना स्किप का, ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अब भी जाओ, अब भी जाओ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कोई भी स्किप नहीं करना हूँ, ठीक है। आप लोगों को एकदम लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर 3 लीटर डीजल डाल चुका हूँ, और थोड़ा बाकी है तो वो भी डाल दो, ठीक है, पूरा डाल दो, शायद इतना नहीं घुसेगा फ्रेंड्स, फिर भी डाल देता है जितना घुसता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोगों ने 3 लीटर डीजल डाल दिया हो, ठीक है, और 2 लीटर पेट्रोल यहाँ पर है हम लोग का। और आप करेंगे हम लोग इस कार को स्टार्ट, जो कि हम लोग चला के लेके आया था, और हम लोग अभी देखेंगे। थोड़ा सा कैमरा को और आगे लेके आओ, नहीं तो उस साइड लेके जाओ। और फ्रेंड्स, इतना जगह हम लोग बिल्कुल भी कोई भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। आप उधर से लेके जाओ, इधर से लेके आओ, धीरे धीरे लेके आओ, ठीक है। यहाँ पर रखो, ठीक है, यहाँ पर रखो, और उस साइड भी घुमाओ, ठीक है। रुको, मैं कैमरा देखता हूँ, नहीं नहीं इस तरह करो, ठीक है। तो देखते रहो आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम करूँगा फ्रेंड्स, अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा एक बार, यानी मैं देखूँगा कि ये गाड़ी चलता भी है या नहीं, स्टार्ट होता है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं देखने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों को अगर कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो देख के, तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और कितना टाइम स्टार्ट होता है वो भी देखूँगा, ठीक है। चलो बैठ जाओ, क्या हो गया? चलो आप बैठ जाओ, इधर मैं देखता हूँ, इधर से आओ, इधर से आओ। स्टार्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, बंद हो गया गाड़ी। सो
और स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे, यानी हम लोग डीजल डाल दिया हूँ तो डीजल पहुँच गया होगा शायद, तो अब और थोड़ा सा स्टार्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। न्यूट्रल देख लेना भाई, और मारो और मारो और मारो और मारो, कैमरा को इधर करो थोड़ा, मेरी साइड करो, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस पेट्रोल कार्ड पर डीजल डाल दिया हूँ आप लोगों का सामने में, यानी गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग लेके आगे यहाँ पर रखा भी था, और गाड़ी जो है डीजल डालने का बाद भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन तुरंत ही जो है डीजल मतलब इंजन में पहुँचते ही बंद हो गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो इंजेक्टर है ना वो डीजल को पास नहीं कर सकते, और थोड़ा बहुत पास भी हो जाता है ना तो उससे जो है आपका मतलब इंजन नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, डीजल का जो इंजन का इंजेक्टर होता है उसका सिस्टम बिल्कुल ही अलग होता है, और पेट्रोल इंजन का इंजेक्टर जो होता है उसका भी सिस्टम अलग होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए जो है ये गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, और ट्राई करेंगे, और मारो एक बार और मारो, थोड़ा इधर करो। फ्रेंड्स, लगता है ना आप लोग, फ्रेंड्स आप लोगों को लगता है ना कि कभी काल क्या होता है हम लोगों का साथ, यानी हम लोग पेट्रोल कार में डीजल डाल के चला भी जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता नहीं चला, फिर आप चला गया हो, फिर रोड में आपका इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है आपका साथ भी, यानी डीजल और पेट्रोल यानी दोनों मिक्स होने से भी आपका गाड़ी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका गलती से अगर डीजल भर जाए पेट्रोल कार में, तब तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी गाड़ी बंद हो जाएगा आपका क्यों, और आपका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वही चीज़ अगर आपका पास मतलब डीजल गाड़ी है, तो आप गलती से पेट्रोल पंप में मतलब पेट्रोल डाल दिया हो, ठीक है, तो उस टाइम जो है आपका साथ फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, गाड़ी में आग लग सकता है, यानी इंजन ब्रास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। फिर भी मैं आप लोगों को, अगर आप लोग देखना चाहते हो उस एक्सपेरिमेंट को भी, तो मैंने डीजल गाड़ी में भी करूंगा, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए इस वीडियो पर 10,000 लाइक। अगर आप लोग इस वीडियो में 10,000 लाइक कर दोगे ना फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को पेट्रोल गाड़ी मतलब डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल के भी एक्सपेरिमेंट करके दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग फ्रेंड्स कभी भी पेट्रोल पंप पर तेल भरने जाते हो, तो दोनों पाइप को जो है ध्यान दीजिएगा, यानी आपका पेट्रोल गाड़ी है तो आप खुद बोलिएगा मेरा पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल दे दीजिए, और देते समय आप ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोल भर रहा है या डीजल भर रहा है, यानी उसमें जो है लिखा होता है दोनों में, या डीजल पेट्रोल दोनों लिखा भी होता है, ठीक है। कभी कल जो है मिस्टेक से कुछ हो जाता है। एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ, स्टार्ट होता भी है या नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है डीजल से पेट्रोल गाड़ी को चलाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करता है, अभी इसमें जितना डीजल भरा हुआ है, ठीक है ना, उतना डीजल को निकाल देता है, उसका बाद फिर से पेट्रोल डालता है, डाल के हम लोग देखता है कि गाड़ी स्टार्ट होता भी है या नहीं। यानी आप लोगों को मैं अच्छा गाड़ी लेके आया था, और इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने जानबूझकर पेट्रोल गाड़ी में डीजल भी डाल दिया था। कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है मैं अच्छा गाड़ी लेके आया था, बिल्कुल अच्छा गाड़ी लेके आया था, पूरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, और कितना भी कोशिश कीजिए आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो जब तक आप डीजल को अनलोड नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसमें जितना डीजल भर रहा था उसको मतलब निकाल देता है, ठीक है। उसके लिए भी हम लोगों का पास जुगाड़ है थोड़ा सा, आप आ जाओ जल्दी इधर। यहाँ पर है हम लोगों का पास एक खाली गैलन, और इसमें जो है हम लोग इस पेट्रोल को डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक बोतल चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ये इसको डाल दिया हूँ इस पेट्रोल को, ठीक। और मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर पकड़ के रखो, ठीक है। मैं गाड़ी का चाबी जो है ऑन ऑफ करूँगी, यहाँ पर जो है तेल निकल आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोगों ने 3 लीटर डीजल मिक्स किया था, ठीक है, फिर भी जो है ये पेट्रोल का कलर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है डीजल मिक्स हो गया, सो पेट्रोल जो है कुछ जो है गहरा हो गया, देखिए यहाँ पर निकलते ही मतलब डीजल जैसा लग रहा है, तो इससे भी मतलब गाड़ी नहीं चला है, ठीक है था। और उसका कलर जो है कुछ इस तरह का है, मतलब थोड़ा पेट्रोल का कलर भी है और थोड़ा डीजल का कलर भी है, थोड़ा इसको मिक्स कर देते हैं, देखता है, तो मिक्स करते ही मतलब पेट्रोल जैसा ही लगता है, ठीक है। लेकिन यह पर जो है पूरा प्योर डीजल है, देखिए फ्रेंड्स, यानी डीजल दिखाई दे रहा है हम लोगों को यहाँ पर, और कैमरा में शायद पेट्रोल का जैसा ही दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, लेकिन ये डीजल और पेट्रोल दोनों मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे अभी, और
और फ्रेंड्स अब हम लोग इस पर डालेंगे पेट्रोल, यानी हम लोग फिर दोबारा से इसमें पेट्रोल डालेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग इस पर दोबारा फिर से पेट्रोल डालेंगे और अब देखेंगे कि गाड़ी स्टार्ट होता भी है या नहीं। हम लोगों को कुछ भी अभी तक आइडिया नहीं है, यानी स्टार्ट होता है या नहीं। और यहाँ पर हम लोगों का पास है लगभग 3 लीटर पेट्रोल अलग से, और ये पेट्रोल ही है। आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, आप लोगों को पेट्रोल तो देखने से ही पता चल ही जाता है, और इतना नुकसान आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है। एक्चुअली हम लोग इतना नुकसान करने वाला में से नहीं हूँ, फिर भी आप लोग विश्वास नहीं करते हो ना, तो हम लोगों को कभी कभी नुकसान करना भी पड़ता है। डालो, इस तरह से डालो फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है यह पेट्रोल गाड़ी जितना भी होता है, या कार हो कुछ भी हो, आप लोगों का तेल खत्म होने का बाद आप लोग 1 लीटर पेट्रोल भी डाल दीजिएगा ना, फिर भी स्टार्ट हो जाता है। यानी 2 लीटर से तो होता ही है, फिर भी हम लोग अभी जो है 3 लीटर करीब डाल दिया, 3 लीटर से 3.5 लीटर। तो अब हम लोग देखेंगे ये गाड़ी स्टार्ट होता है या नहीं। गाइस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी मुझे पता था कि स्टार्ट इतना जल्दी होने वाला नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। यानी आप लोग कुछ समझ जाओ, यानी हम लोग कभी अगर एक गाड़ी को कुछ खराब कर देते हैं या तोड़ देते हैं, तो आप में से काफ़ी सारा लोगों ने कमेंट करते हो कि वो गाड़ी जो है किसी को गरीब को दे देता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है हम लोगों का, अगर मैं ये गाड़ी किसी को गिफ्ट में दे देता, एक आदमी को हेल्प हो जाता, और फ्रेंड्स हम लोग वही एक गाड़ी को खराब करके लाखों लोगों को नया इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूँ कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। जैसे कि हम लोग खुद जानते हुए भी कि पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालने से स्टार्ट नहीं होगा, फिर भी डाल दिया हूँ। यानी आप लोगों का मन में भी कभी आता होगा कि डीजल में भी आग लगता है, पेट्रोल में भी आग लगता है, केरोसिन में भी आग लगता है, टिनर पर भी आग लगता है, और काफ़ी सारा सामान में जो है आग लगता है। तो क्यों ना जब पेट्रोल से मतलब ये गाड़ी चलता है तो डीजल से भी चल जाता होगा, तो आप लोग भी कभी ट्राई कर सकते हो। इसलिए जो है हम लोग खुद ट्राई किया हूँ, हम लोग अपना गाड़ी में ट्राई किया हूँ, दूसरा का गाड़ी में भी ट्राई नहीं किया हूँ, हम लोग सिर्फ अपना गाड़ी में ही ट्राई किया हूँ। और इसमें अगर खराब कुछ हो भी जाता है ना फ्रेंड्स, हम लोग खुद ठीक भी करने वाला हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग अपना पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दिया था, और एक बार फ्रेंड्स हम लोग ट्राई करेंगे इसको स्टार्ट होता भी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी हम लोग डीजल डाल भी दिया था, फिर डीजल को निकाल के पेट्रोल भी डाल दिया था। यानी मुझे फ्रेंड्स लगता है कि इसका जो इंजेक्टर है ना, वहाँ तक डीजल पहुँच गया होगा, और यहाँ पर जो है इंजेक्टर में, यानी पेट्रोल इंजेक्टर में अगर डीजल घुस जाता है, हो सकता है इंजेक्टर ब्लॉक भी हो सकता है, और काफ़ी सारा जो कमन रेल खराब भी हो सकता है, जैसे कि रेल प्रेशर होता है वो भी खराब हो सकता है। और क्या हुआ है अभी अभी तक हम लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं है। सो हम लोग सोचा था जब हम लोग डीजल से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद डीजल को निकाल देंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग पेट्रोल डाल के इस गाड़ी को लेके जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और हम लोग जब डीजल को निकाल भी दिया ना, उसके बाद भी फ्रेंड्स गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो अभी भी देख लीजिए फ्रेंड्स, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी हम लोगों को कोई भी मतलब थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि ये गाड़ी जो है हम लोगों का ख़राब भी हो जाए तो भी हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है। यानी हम लोगों का सिर्फ यही मतलब उम्मीद हम लोग रखते हैं कि हम लोग हमारा सामान को ख़राब करके आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दूँ। सिर्फ हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम लोगों का कुछ सामान खराब भी हो जाता है ना, तो आप लोगों को अगर कुछ सीखने मिलता है तो उसमें ही हम लोगों का भला है। इसलिए जो है हम लोग अपना सामान को ख़राब करके भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स लाखों कोशिश करने का बाद हम लोग इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सका हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को खुद पता है कि डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालने से जो है गाड़ी ब्रश हो जाता है, ठीक है। और पेट्रोल गाड़ी में अगर थोड़ा सा भी डीजल मिक्स हो जाता है ना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। और अब जो है शाम होने वाला है, सो अभी जो है हम लोग इस गाड़ी को टोशन करके लेके जाएंगे अपना वर्कशॉप पर। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। सो आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो दोनों में से किसी एक वीडियो को क्लिक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टेक्निकल असम चैनल। थैंक यू।